हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पर। आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके मोबाइल या पीसी पर नोटिफिकेशन पहुँचता रहेगा। और ये हमारा वीडियो आपको सेकेंड चैनल पर भी मिल जाएगा, जिसका नाम है डिजिटल राजेश गुप्ता, वहाँ पर भी मिल जाएगा। उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पेज पर भी ये हमारा वीडियो आपको मिल जाएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उस फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिएगा। इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ये सब ज्वाइन करने के लिए आपको एक चीज़ फायदा होगा कि आप एनी टाइम आप हमारे साथ अपडेट रहेंगे। मैं कुछ भी कोई भी अपडेट दूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। अभी फिलहाल हम इस वीडियो में आप लोगों को सिखाएंगे कि tradingview.com का अकाउंट कैसे बनाना है और ये अकाउंट क्यों बनाना है। ये अकाउंट इसलिए बनाना है कि हम टेक्निकल एनालाइज सीखते हैं। यहाँ पर टेक्निकल एनालाइज करते हैं कोई भी कॉइन को हमें बाय करना है, सेल करना है, तो यहाँ tradingview.com पर हम यहाँ टेक्निकल एनालाइज यहाँ पर एनालाइज करते हैं। कोई भी कॉइन का यहाँ पर एनालाइज करना है, करना सीखते हैं, वो हम पूरा सिखाएंगे अपने इस चैनल पर। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, और हमारे हर एक वीडियो आने वाले को लाइक जरूर किया कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों से एक हमें मोटिवेट मिले कि आप लोगों को इससे भी अच्छे से अच्छे वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊँ और आप लोगों को कुछ सिखाते रहूँ अपने इस चैनल के माध्यम के जरिए। तो अभी हम इस वीडियो में सीखेंगे कि tradingview.com का अकाउंट कैसे बनाना है, और आने वाले वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि क्या इसके मतलब है, कैसे एनालाइज यहाँ पर किया जाएगा, कैसे इसको ये सब इसको क्या बोलते हैं, ये सब को क्या बोलते हैं, सारे हम स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सिखाएंगे। और इस tradingview.com की जानकारी लेने से पहले आप लोगों को क्वाइन मार्केट कैप का फुल जानकारी होना चाहिए, और ऑलरेडी मैंने इस क्वाइन मार्केट कैप पर वीडियो मैं बना चुका हूँ, पूरा 9-10 वीडियो होगा ऑलरेडी, उसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को देखकर आप इस क्वाइन मार्केट कैप की फुल जानकारी आप लोग ले लीजिएगा, इसके बाद फिर tradingview.com की जानकारी आप लोगों को लेना है, ठीक है। तो चलिए अभी हम आप लोगों को सिखाते हैं कि tradingview.com पर अकाउंट कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, tradingview.com यहाँ पे टाइप कर लेना है गूगल में, और यहाँ पे टाइप करने के बाद इस वेबसाइट पर आप आ जाएंगे, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका मिल जाएगा, ठीक है। tradingview.com ये इसका URL लिंक है। और यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ ज्वाइन फॉर फ्री पर आपको क्लिक करना है, और इसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपना यूजर नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, और यहाँ टिक लगाएंगे और आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करेंगे, ठीक। यहाँ पर जैसे आप यूजर नाम रख लीजिए कोई भी, जैसे मैं रख लेता हूँ गुप्ता ट्यूब। इसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी डाल लेंगे, इसके बाद पासवर्ड डाल लेंगे, इसके बाद यहाँ टिक लगा लेंगे ऐसे, और इसके बाद यहाँ आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक कर लेंगे, और आई एम नॉट रोबोट पर टिक लगने के बाद यहाँ साइन अप पर क्लिक कर देना है। हमने यहाँ पर सारा कुछ डाल लिया, और डालने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, साइन अप पर क्लिक कर देंगे, और साइन अप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये बोल रहा है कि ऑलरेडी यूज है, अगर आपका ये यूज रहेगा तो नहीं लेगा, तो फिर यहाँ पर चेंज कर लीजिए। चेंज करने के बाद फिर साइन अप पर क्लिक कीजिए, यस हो गया, ओके। अब यहाँ पर क्या करना है, रिसेंट एक्टिवेशन लिंक पर आपको क्लिक करना है, ईमेल आईडी पर लिंक जाएगा वहाँ पर एक्टिवेट करना है, तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओके कर दीजिए। अब हमको ईमेल आईडी पर जाना है, ईमेल आईडी पर लिंक गया होगा वहाँ पर कंफर्मेशन करना है। ये देखिए यहाँ पर लिंक आ चुका है, ये ट्रेडिंग व्यू के तरफ से ये मैसेज आया हुआ है, इसको ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ एक्टिवेट पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए हमने यहाँ क्लिक कर दिया एक्टिवेट पर,
अब एक्टिवेट पर क्लिक हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ साइन इन पर क्लिक करेंगे, साइन इन पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ लॉगिन पर क्लिक किया और लॉगिन पर क्लिक करने के बाद ये हमारा अकाउंट लॉगिन हो गया इस प्रकार का। और यहाँ पर गो टू द इंडिया वर्जन, इंडिया वर्जन यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। ये हमारा पूरा अकाउंट बन चुका है, ये tradingview.com का अकाउंट बन चुका है। इसके बाद आप अपना प्रोफाइल सेटअप करना चाहते हैं तो यहाँ कर सकते हैं, प्रोफाइल पर क्लिक करके अपना यहाँ प्रोफाइल सेटअप, ये सब जैसा आप लोगों को लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। इसके बाद प्रोफाइल सेटिंग का ऑप्शन है। इसके बाद यहाँ चार्ट पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ चार्ट का जो ऑप्शन है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका ट्रेडिंग व्यू का चार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा पॉपअप आपको आते रहेंगे तो यहाँ स्किप करते जाना है। अब यहाँ पर आप चार्ट पर आ चुके हैं और अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई भी क्वाइन का आपको एनालाइज करना है तो यहाँ पर टाइप करेंगे, जैसे बिटकॉइन का देखना है तो यहाँ BTC टाइप करेंगे। अब यहाँ पर BTC USD टाइप करने के बाद इसमें आपको जो एक्सचेंज का आपको एनालाइज देखना है, जो एक्सचेंज में आप जैसे कॉइन बेस का देखना है तो यहाँ देखिए कॉइन बेस लिखा हुआ है और यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। और क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको ये BTC USDT का चार्ट दिख जाएगा, कॉइन बेस एक्सचेंज का। और ये सब पॉपअप आएगा तो आपको हाइड फॉर न्यू पर यहाँ क्लिक करना है। और यहाँ फ्री में आपको 3 इंडिकेटर आप यहाँ लगा सकते हैं, वो आने वाले वीडियो में हम बताएंगे कैसे इंडिकेटर लगाना होता है, कौन कौन से इंडिकेटर है, सारे कुछ डिटेल में हम बात करेंगे आप लोगों को। पूरा XYZ हम आप लोगों को इस चैनल पर आपको सिखाएंगे, आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए। अब इस चार्ट में आप जो देख रहे हैं ये सब, ये जो आप चार्ट देख रहे हैं तो ये सबको क्या बोलते हैं, इन सबको बोलते हैं कैंडल स्टिक, कैंडल इसको बोलते हैं। तो आने वाले वीडियो में हम अगले वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि ये कैंडल स्टिक कितने प्रकार के होते हैं और ये कैंडल कौन से कैंडल को क्या बोलते हैं, सारा कुछ डिटेल में हम आप लोगों को सिखाएंगे कैंडल स्टिक के बारे में। अभी आपने इस वीडियो में आपने सीखा कि इस tradingview.com का अकाउंट कैसे बनाना है, और अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पर आप कोई भी ये चार्ट आप देख सकते हैं, कोई भी कॉइन का आपको यहाँ चार्ट देखना है तो ओनली यहाँ पर टाइप करना है। जैसे मान लीजिए आपको इथेरियम का चार्ट देखना है तो यहाँ ETC टाइप कीजिए, इसके बाद BTC में देखना है कि USD में देखना है वो टाइप कर दीजिए। और इसके बाद कौन सा एक्सचेंज पर आपको देखना है, बाइनेंस पे, बिटरेस पे, या बिटफिनेस पे, या पोलोनिस पे, जिस एक्सचेंज का चार्ट आपको देखना है उस एक्सचेंज के सामने वाले पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देंगे वो देखिए ये चार्ट आपको लाइव आपको दिखेगा कि ये क्या है चार्ट और क्या दर्शा रहा है, हमें मार्केट में कैसे चल रहा है, प्राइस अप डाउन कैसे क्या हो रहा है, सारा कुछ यहाँ पर आपको दिखेगा। और यहाँ पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको कितने देर का आपको चार्ट देखना है, जैसे 1 आवर्स का देखना है तो यहाँ 1 आवर्स का आप क्लिक कीजिए, ये 1 आवर्स का आपको चार्ट दिखेगा, राइट। इसके बाद मान लीजिए आपको 45 मिनट का देखना है तो यहाँ 45 मिनट पर क्लिक कर दीजिए, ये 45 मिनट का चार्ट आपको दिखेगा। इसके बाद 1 डे का देखना है तो यहाँ 1 डे पर क्लिक कीजिए, आपको ये 1 डे का चार्ट आपको दिखेगा। इसके बाद आपको ये सब हटाना है तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये हट जाएगा, ये पूरा फुल स्क्रीन में हो जाएगा। इसके बाद इसको अगर आप नाइट मोड में करना चाहते हैं, मान लीजिए जैसे आपने नाइट मोड में करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ सेटिंग पर क्लिक करेंगे, ये जो सेटिंग का ऑप्शन है सेटिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये डार्क पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए हो गया, ये नाइट मोड में डार्क हो गया, यहाँ पर ऐसे इस प्रकार का ब्लैक हो गया पूरा, मतलब आंख की रोशनी को बचाएगा, ये डार्क में हो गया। अगर फिर आप इसको व्हाइट में करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ लाइट पर क्लिक कर देंगे, ये लाइट में हो जाएगा और ये डार्क में हो जाएगा। इस तरह से ये आप इसको कर सकते हैं, इस तरह से रहेगा तो आपको थोड़ा चार्ट देखने में आसान रहेगा, अच्छे से आँख चमकेगा नहीं। इसके बाद यहाँ पर इंडिकेटर का ऑप्शन है, यहाँ सब इंडिकेटर का है। अब ये आने वाले टाइम में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से इंडिकेटर आपको लगाने हैं, सबसे बेस्ट इंडिकेटर कौन कौन सा है, आने वाले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो आपने इस वीडियो में पूरा सीख लिए क्लियरली कि आपको कि अकाउंट कैसे बनाना है, tradingview.com का अकाउंट कैसे बनाना है, वो आप पूरा इस वीडियो में आप सीख लिए। और
इसका टेक्निकल एनालाइज सीखने के लिए फिर हमारा नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। उस आने वाले टाइम में हम स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाएंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कैंडल स्टिक के बारे में, इसके बाद फिर इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे, इसके बाद फिर मतलब पूरा प्लेलिस्ट आपको मिलेगा स्टेप बाय स्टेप आपको। और आपको ये सीखना है तो आप हमारे इस चैनल पर बने रहिएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा सिखाने की मैं कोशिश करूँगा। जितना मुझे नॉलेज है वो आप लोगों को शेयर करूँगा। और इसके पहले आप अगर न्यू पर्सन है, बिल्कुल न्यू पर्सन है, तो सबसे पहले कॉइन मार्केट कैप की जानकारी लीजिएगा। इसका ऑलरेडी वीडियो मैंने बना रखा हूँ और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ये इसका पूरा जानकारी होना चाहिए कॉइन मार्केट कैप का, तब आपको कुछ इसमें समझ में आएगा tradingview.com पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलता हूँ, आज के लिए इतना ही, फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।